अभी तो कुछ पैसे पड़े हुए हैं, ठीक है, थोड़े दिन से चलेंगे, कुछ दिन हम कुछ नई चीजें नहीं लेके नहीं आएंगे, तो आप सबने सपोर्ट करना है। सो गाइस वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। भाई आज जो है ना कोई व्लॉग वगैरह तो नहीं होने जा रहा, भाई आज होने जा रही है एक छोटी सी वीडियो, उसमें आपको थोड़ा सा हमने गाइड करेंगे। भाई हमारे साथ हो गया बहुत ज्यादा बुरा यार, आप लोगों को पता होगा हमारा एक और भी यूट्यूब चैनल था, लाइक पिक्चर्स का सिल्वर प्ले बटन पड़ा हुआ है, लाहौर पेट्स के नाम से था, और उस पर तकरीबन हमारे 1.5 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए थे। उस पर हमने 3.5 साल जो है ना वो वीडियोस लगाई, पूरे 3.5 मतलब 3.5 ईयर्स जो है वो डेली वीडियोस उस पर लगती रही हैं, बीच में कई दफा नहीं भी लगी, लेकिन ये है कि 500+ वीडियोस उसके ऊपर पड़ी हुई थी चैनल के ऊपर ना, और इतनी मेहनत की थी कि स्पेशल उसके लिए कराची जाके कभी कभी डॉग शो पे जाके हम वीडियो बनाते थे। आपको पता है जनवरी फरवरी में होते हैं डॉग शो, पिंडी जाता था अली अकेला, ठीक है, और बैठ के ये एक सिटी, जितने भी सिटीज है ना सब सिटीज के अंदर जाके हमने पेट्स की वीडियोस बनाई, मतलब लोगों को शौक भी दिखाए, डॉग्स दिखाए, अच्छी अच्छी क्वालिटीज के प्योर ब्रीड्स लोगों को दिखाई। मतलब जूइन हाउस में स्टार्ट की भी 5 महीने हुए होंगे ना, तो लाहौर पेट्स तकरीबन 3.5 साल से हम चला रहे थे, और उसके ऊपर हम सेल परचेज भी कर रहे थे ना, मतलब परियन कैट्स वगैरह जो है ना वो बेच रहे थे, और वो दिखा रहे थे लोगों को, क्वालिटीज दिखा रहे थे। जो लोग देखते होंगे भी चैनल, उनको आइडिया होगा, एक डॉक्यूमेंट भी लास्ट वीडियो पे आए थे कि आपका लाहौर पेट्स चैनल शो नहीं हो रहा, तो यार वो YouTube ने उड़ा दिया, डिलीट कर दिया। और रीजन ये है कि यार लास्ट वीडियो जो हमने लगाई थी ना उसके नीचे कहीं पीछे बैकग्राउंड पे कोई म्यूजिक यूज हो गया, लेकिन हमने म्यूजिक लगाया नहीं था, ऐसे कह लें किसी की रिंग टोन थी या किसी ने कोई गाना चलाया था थोड़ा सा, वो आया है उसके ऊपर उन्होंने दिए स्ट्राइक, और मैंने नोट नहीं किया क्योंकि हम जो ही ना उस पर ज्यादा आजकल वर्क कर रहे हैं, उस पर तो सिर्फ चैनल ऑन किया और वीडियो अपलोड किया और निकले, तो वो हुआ इस तरह से कि उस वीडियो पे स्ट्राइक आई है जिसमें सॉन्ग यूज हुआ है, और 2 दिन गुजरे तो उन्होंने चैनल उड़ा दिया कि आपने कोई लिंक यूज किया था जो यूट्यूब की गाइडलाइन के खिलाफ है, और हालांकि हमने कोई लिंक भी यूज नहीं था किया हुआ। तो अभी आज की वीडियो सिर्फ इसलिए है कि आप सब दोस्त जो देख रहे हैं सब दुआ कीजिए कि हमारा चैनल जो है रिकवर हो जाए, हमने एप्लीकेशन दी हुई है यूट्यूब को कि अगेन जो है ना वो हमें चैनल हमारा वापस किया जाए, तो वो हुआ इस तरह कि सब वीडियोज उन्होंने यूट्यूब से उड़ा दी है, चैनल उड़ा दी है, और मेरे लिए तो बड़ा बैड सीन है, मैंने इतनी मेहनत की हुई थी लाइक थोड़ी बहुत भी नहीं 3.5 साल, और कह लेंगे अब आके उससे अर्निंग स्टार्ट हुई थी पिछले 1 साल से, उससे पहले तो कुछ भी नहीं था, मतलब ना व्यूज इतने खास थे ना जो है इतने अच्छे पैसे आ रहे थे, तो अभी आगे से अर्निंग स्टार्ट हुई थी और इतनी अर्निंग थी कि हम जूइन हाउस जो है ना वो उसकी चीज़ें बाय कर रहे थे, उसके लिए जितने खर्चे कर रहे थे सब एक्सपेंसिस हमने खुद उठाए थे, लाइक वाली साहब की तरफ से कुछ भी नहीं था, ये सब कुछ हम खुद जो है वो उठाते थे अपने खर्चे। भाई ये वो सिल्वर प्ले बटन देख सकते हो, ये तकरीबन 1 साल पहले आया था हमारे पास, हाँ पिछले साल तकरीबन पिछले साल हमारे पास ये आया था, और लाहौर पेट्स की जितनी अर्निंग थी ना 3.5 साल की वो हमने जूइन हाउस पे 6 महीनों में लगा दी है, ठीक है, और अभी लगाते हमारे पास बैंक में कोई पैसे नहीं पड़े होते कि हम साइड पे कुछ रखें, हमारे पास कोई 15-10 हजार रुपया आता था, हम आज डक्स ले आए, आज राजू ले आए, आज जग्गू ले आए, ठीक है, इस तरह की डिफरेंट चीजें हम लोग लेके आते रहे, तो अचानक से खबर मिली कि भाई चैनल हो गया डिलीट, तो इस टाइम हम बड़ी परेशानी है, तो इस टाइम हम लोग जो है ना बड़ी परेशानी में है कि यार इतने ज्यादा पेट्स हैं, इनके खर्चे कैसे पूरे होंगे, और आगे हमने व्लॉगिंग करनी है, और मैक्सिमम एक व्लॉग के ऊपर अगर हम कुछ नई भी लेके आते ना, आपको लगता है कि यार आज तो कुछ ये लाए नहीं, भाई उस व्लॉग के ऊपर भी तकरीबन जो है 5-6 हजार खर्चा हो जाता है, और आपको आइडिया नहीं है, आप कहेंगे नहीं यार ऐसे, और जिस व्लॉग में हम कुछ लेके आए तो तकरीबन छोटी मोटी चीज भी लें तो 10 हजार रुपया, बड़ी से बड़ी लें तो 30-40 हजार रुपया एक व्लॉग के ऊपर होता है। अभी हम टोटल आपको बताएंगे नहीं कि भाई हमारा कितना खर्चा हुआ है, ऐसे वो जी भी हो जाएगा कि यार ये बैठ के गिना रहे हैं, बस लगाया अपने शौक के लिए, आपको शौक दिखाने के लिए लगाया, और हमें खुद को ज्यादा शौक था पेट्स रखने का घर में, तो हमने ये चैनल बनाया और एक किस्म के इसके ऊपर व्लॉगिंग स्टार्ट की, मुझे व्यूज से कोई नहीं था कि यार इधर व्यूज कम भी आते हैं तो कोई बात नहीं, हमें ये है कि लाहौर पेट से अर्निंग आ रही, जितनी देर तक उधर से अर्निंग आई जाती है हम इधर जो है लगाई जाते अपने शौक पूरे हो जाएंगे, ब्लॉगिंग भी जो है ना वो कंटिन्यू रहेगी, बट अभी बैड सीन ऐसा हुआ है कि अगर मैं हम लोग परेशान है कि यार ये क्या होगा हमारे साथ, आगे हम ब्लॉगिंग करनी है, पैसे नहीं है, और आगे खर्चे कैसे पूरे होंगे, ये तो कह लेंगे हम जैसे 15-20 दिन पेट और रख सकेंगे, फिर उसके बाद हमारे पास डाइट के पैसे भी नहीं बचेंगे, ये वाला सिस्टम है। तो जितने भी भाई देख रहे हो भाई दुआ कीजिएगा वो हमारा चैनल वापस आ जाए, हाँ बस वो चैनल, हाँ वो चैनल वापस आ जाए, तो हमें ये कि हमारा एक वो कह लेंगे वो हमारी शॉप ही थी, शॉप थी हमारी वो, तो उससे हमारी अर्निंग वगैरह हो रही थी, बड़ा अच्छा वाला सिस्टम लगा हुआ था, बट ये कि अभी वो यूट्यूब से बातचीत चल रही है, अब आप लोगों की दुआएं, आप आज की वीडियो स्पेशली है ही, ये रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप जो है ना दुआ करनी है कि यार हमारा चैनल जो है ना वो रिकवर हो जाए लाहौर पेट्स, और उम्मीद तो है वैसे
60% चांस है कि चैनल वापस मिल जाएगा, 40% है कि नहीं मिलेगा, क्योंकि और यूट्यूब के साथ बैठ के आप बातचीत ही कर सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट उसे हट के कोई आप उनसे वैसे तो ना कह सकते कि प्लीज़ दे दें तो वो उन्होंने मान देना, इस तरह का सीन ही होता है, पॉइंट टू पॉइंट बात करनी होती है। हम भी अब यही क्लियर करना चाह रहे हैं उनके साथ कि जो कोई लिंक लगा भी है ठीक है वो ऑटोमेटिकली लगे। कल मैंने जो है वो अप्लाई किया है दोबारा चैनल को रिकवर करने के लिए, तो अब उम्मीद पूरी है कि यार चैनल जो है ना वो वापस मिल जाएगा, 60-65% चांसेस हैं कि मिलेगा। तो आप सबने भी प्रे करनी है मेरे के लिए, हमारा ये नहीं होता कि यार सब्सक्राइबर बढ़ा दो व्यूज बढ़ा दो, वो टाइम के साथ साथ बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हमारी वीडियोज़ और अच्छी होती जाएंगी लोग और जुड़ते जाएंगे ठीक है, उसका मसला नहीं है, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं से कोई सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए जिसकी वजह से चैनल जो है ना वो रनिंग में रहे, चैनल चलता रहे, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें मतलब दिखाते रहे। अब हम एक चीज़ ही आपको जितने पैट्स हैं वो बार बार दिखाते रहेंगे ना तो आप भी बोर हो जाएंगे टाइम, आप कहेंगे वही चीज़ें हैं सब कुछ रिपीट हो रहा है ठीक है, या कितनी देर तक हम जग्गू के साथ इन्हीं पैट्स के साथ अगेन अगेन एक ही तरह के व्लॉग जो है वो बना सकते हैं, तो आप लोग थक जाएंगे वो देख देख के। तो कुछ नया लाने के लिए जहर सी बात है कि जो है वो आपको पैसे खर्चने पड़ते हैं, न्यू चीज़ें लाने के लिए जो है वो खर्चा होता है अच्छा खासा, तो वो हमारा चाह रहा है लाहौर पैसे का सारा सिस्टम। तो अभी ये है कि आप सबने प्रे करनी है कि यार वो हमारा चैनल वापस रिकवर हो जाए और इंशाल्लाह वापस आ जाएगा, लेकिन इसके अलावा हमें कोई उम्मीद नहीं ना नजर आ रही कि यार ये वाला तरीका है कि हम इधर से भी तो पैसे कमा सकते हैं, उधर से पैसे कमा के फिर हम लोग पे लगा सकते हैं, ऐसा कोई सीन नहीं है, यही हमारा सब कुछ था ठीक है, सारा इधर से हमारा निज़ाम चलता था, खुद का खर्चा दोनों भाइयों का और अपना ए टू जेड मतलब सारा पेट्स का। अभी तो कुछ पैसे पड़े हुए हैं ठीक है, थोड़े से चलेंगे कुछ दिन, हम कुछ नई चीजें नहीं लेके नहीं आएंगे, हमारी कोशिश यही होगी आपके डाइट वाइट इनकी आएगी ठीक है, और उम्मीद पूरी है यार आप लोगों को दुआ कीजिएगा कि ये है कि वापस आ जाएगा चैनल, तो फिर तो भाई मसला हो जाएगा आप लोगों के लिए, अच्छी अच्छी चीजें लाएंगे और जग्गू की वाइफ भी लेके आनी है अभी ठीक है, और इतनी चीजें ऐसी हैं जो हम, और ये नहीं कि सिर्फ हमको अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए अभी ऐसी वैसी बात कर रहे हैं, आप यूट्यूब पर जाके सर्च भी कर सकते हैं लाहौर पैट्स लिखिएगा, वैसे ये देखिएगा अपना ये लाइक इसके ऊपर लाहौर पैट्स लिखा है, ये सिल्वर प्ले बटन हमें प्रॉपर जो है मेरा इसी चैनल का था, तो लाहौर पर सब लिखिएगा, अब चैनल शो ही नहीं हो रहा, इतना बड़ा लोगों की वीडियोस आ रही हैं सामने लेकिन हमारा चैनल ही शो नहीं हो रहा, हमारी 500-550 वीडियो बिल्कुल जो है वो खत्म हो गई, ये है कि आपको अब वीडियो के एंड पे और शान सारा कुछ दिखाएगा जो हमने लाहौर पेट्स की अर्निंग से बाय की हुई। सो गाइस ये रहे हमारे पास सारे पेट्स, राजू स्पाटरी और ये मुर्गे मुर्गियां, भाई हमारे पास ना सबसे पुराना मुर्गा ये वाला है ठीक है, ये वाला मुर्गा, इसके साथ दो तीन मुर्गियां थी भाई, डक्स आप लोग देख सकते हो, ये जो डक्स हैं ये हम लोग कल या परसों ही लेके आए हैं, आप लोगों ने व्लॉग देखा ही होगा भाई, स्पाटरी बहुत बड़ी हो चुकी है और मस्तियां भी करती है, उन्होंने तो स्पाटरा भाई ये जो है हमारे पास 4 महीने पहले आया था और उसकी मस्तियां देखो, उसने द्वार का हालत क्या कर दिया, बाकी द्वारें ठीक हैं। फिर हमारे पास आ जाता है मोड़ू, हमारा मोड़ भाई, ओए 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 भाई, इसकी ना सितंबर में टेल खत्म हो जाती है और सितंबर का महीना चल रहा है, इसकी टेल टूट गई हुई है, वैसे हमारा मोर है बड़ा प्यारा भाई। उसके बाद आ जाते हैं हमारे क्यूट क्यूट हनी बनी भाई, ये हमारे पास टोटल 4 हैं, थे 5 बट एक की डेथ हो गई भाई, हमारी काली मुर्गी ने ना चूजे दिए थे, वो देखो छोटे छोटे अंदर घूम रहे हैं, फिर हमारे पास ये वाला पेयर भी है, ये मुर्गी अंडों के ऊपर बैठी हुई है, और ये हमारे पास कुछ कबूतर हैं, बाकी कुछ उड़ के ना बाहर गए हुए हैं सैर सपाटे करने गए हुए हैं। सो भाई ये हमने जो केज बनवाया था ना, ये जब हमने व्लॉगिंग शुरू की थी ना उसके तकरीबन 20 दिन बाद हमने ये केज बनवा लिया था। बर्ड कॉलोनी के बिल्कुल बाहर ना भाई ये एक एक्वेरियम पड़ा हुआ है ठीक है भाई, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसकी हाइट जो है ना ये इधर से लेके इधर तक 5.5 फुट का है, और भाई इसके अंदर काफ़ी मछलियाँ आई और कुछ एक दो मर भी गई, टर्टल आए वो अभी भी हैं और कुछ मछलियाँ अंदर घूम भी रही हैं भाई, इसको हमने रखना पता है किधर है मैं आपको बता भाई, साथ ही अली का कमरा है इसके अंदर। सो गाइस ये वो जगह है जिधर अभी बहुत ज़्यादा खिलौड़े मचे हुए हैं भाई, इस जगह पे आएगा हमारा एक्वेरियम इस तरह फिट हो जाएगा आप लोगों की स्पोर्ट से भाई, एकदम ऐसे फिट होगा ना जैसे लगेगा द्वार के अंदर फिट है भाई। अभी चलते हैं नीचे और आपको जाके बाकी पेट्स दिखा। सो गाइस देखिए आते हैं ना सेकंड पोर्शन में भाई, पहले इधर कुछ पेट्स वगैरह पड़े होते थे बट ये कि अब हम लोग ऊपर आ गए, पेट्स चलेंगे नीचे, बट एक केज ये पड़ा हुआ है, इसके अंदर है तो कुछ भी नहीं, पहले हमने हैमस्टर रखे हुए थे बट ये हैमस्टर इसके अंदर से ना निकल आते थे भाई, ये देख सकते हो जालियों के सुराख बड़े हैं, हैमस्टर बड़े चलाक होते हैं भाई, अंदर से निकल आते थे, तो भाई वो हम लोग सारे पेट्स लेके नीचे। तो गाइस सीढ़ियों के नीचे जो है ना बिल्कुल हमारी बर्ड कॉलोनी है भाई, इसके सामने जो फ्रंट पे जाली और लोया लगा हुआ है ना भाई, सिर्फ ये लोहे वाले से हमने लगवाया था, बाकी सारा काम जो है ना हमने खुद किया था भाई, पेंट ये वाला खुद किया, ये वाला पेंट खुद किया, ये लकड़ी के डंडे अंदर खुद लगाए, वो खुद लगाया अंदर दरख्त, ये बॉक्सेस भी खुद लगाए भाई। ये लवबर्ड की कॉलोनी, इसके अंदर 3 पेयर हैं हमारे पास, एक ये बैठा हुआ है, एक ये बैठा हुआ है, बाकी अंदर है, इन्होंने तो बच्चे भी दिए हैं भाई, ये है स्टेडियम बर्ड की कॉलोनी, इन्होंने भी बच्चे दिए हैं भाई, ये देखो भाई कितने मस्त लग रहे हैं यार भाई। ये आ गई हमारी कोकी मोकी,
ये कभी ऊपर वाले पोर्शन में होती है, कभी नीचे, जिधर इसका दिल करता है कोको उधर चली जाती है। भाई ये तो हमारे पास फर्ड, भाई ये तो हमारे पास फर्स्ट व्लॉग से, हमने व्लॉगिंग स्टार्ट करने से उससे 15 दिन पहले हमने कोको लिया। सो गाइस आगे एक कमरा आता है भाई, उसके अंदर हमारे पास सिर्फ केजीज केजीज हैं, अंदर पेट्स भी हैं। भाई ये चेक करो, इसके अंदर ना 1 2 3 4 5 केज हैं ये, और ये टोटल खुद 5 हैं। भाई ये चेक कर सकते हो, ये सारे केजीज पड़े हुए हैं। हम लोगों ने सोचा था कि यार इसके अंदर हम लोग रखेंगे लव बर्ड, बट इंशाल्लाह यार चैनल वापस आ जाएगा तो हम लोग इसके अंदर लव बर्ड ही रखेंगे। भाई ये छोटा सा केज है, इसके अंदर हमारे क्यूट क्यूट से हैमस्टर रहते हैं। इनका दिल करता है कि यार हम लोग बाहर निकलें, बदमाशियां करें, लेकिन हम इन्हें बाहर निकलने तो किटन कैट खा जाते हैं। अब भी देखो कैसे मस्त होके सोए हुए हैं। भाई ये किटन्स का केज है, ये हमारी कैट्स का केज है। भाई उसके बाद ये भी एक केज पड़ा हुआ, इसके अंदर ना लव बर्ड पड़े हुए हैं, वो नजर आए ये वाले बैठे हुए हैं। के बाद आ जाते हैं ये वाले, ये भी छुप छुप के बैठे हुए हैं। इनकी जगह दरअसल चेंज हुई है इसलिए ये डरे डरे हैं। इसके अंदर भी हमारे पास बाइनो रेड आइज है, पार ब्लू है, साथ कोकटेली मोकटेली बदमाश। भाई एक रेबिट है हमारे पास, और हमारे पास गिनी पिग्स हैं। सारे केजेस ये वो ये सारा कुछ इधर ही पड़ा था। पता नहीं मैंने इसका क्या बिगाड़ा यार, ऐसे गुड़ियां करा करा के देखता है। एक दफा मुझे तू बाहर निकाल, आंखें तेरी मैं निकाल लूं। हाँ जी, किसे देख रहा है? अभी भी देखो, ऐसे देखते ही रहेगा, स्टिल देखता रहेगा। सो गाइस ये थे हमारे सभी पेट्स और सारे केजेस जो हमने अभी तक सब कुछ बाय किया। व्लॉग को, इस वीडियो को इतना शेयर करना है कि मैं कहूंगी यार मजा ही आ गया। और दुआ कीजिएगा लाजमी के हमारा लाहौर पेट्स चैनल वापिस आ जाए। भाई उसी के साथ है कि हम लोग वापस अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आते रहेंगे, और ढेर सारी और केजेस लेके आएंगे, और बर्ड्स लेके आएंगे। भाई काफ़ी ज़्यादा दुख लगा हुआ है अली को, बहुत मेहनत की हुई उसने। खैर भाई इधर जो हम अपना व्लॉग करते हैं एंड, व्लॉग अच्छा लगा आप लोगों को लाइक लाजमी करना, आप लोगों ने बेल आइकन मस्ट है सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी ऑन पे करें, इससे ये होगा भाई आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।